Okay, about DMIT concept, first of all, I would like to say, what does DMIT means? Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test. Now, why DMIT test? Why this report? This report will basically help you to understand the innate characteristic and communication mode of their children, of your children, and of course, provide them the most appropriate learning. Now, what does this mean? एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक क्लास में अगर 60-70 बच्चे हैं और कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स लेके आते हैं, तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक दे आर फेलिंग? क्यों फेल हो रहे हैं वो? क्योंकि शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे और वो फेल हो रहे हैं. तो ये DMIT टेस्ट आपको बताएगा कि उनका जो सीखने का तरीका है, जो लोग नहीं सीख पाते जल्दी से, तो हर लोगों के सीखने के तरीके डिफरेंट है और सीखने का तरीका कौन सा है वो आपको ये टेस्ट बताएगा. सो इस रिपोर्ट में हम पहले ये टॉपिक्स कवर करेंगे, डर्मेटोग्लिफिक्स, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, मल्टीपल इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर इंटेलिजेंसेस, लर्निंग टाइप, वीडियो ऑडियो काइनेस्थेटिक, और लास्ट में द डिस्क प्रोफाइल विच इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट्स. सो द हिस्ट्री फर्स्ट. डॉक्टर हैरोल्ड कमिंस, डॉक्टर कमिंस इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ डर्मेटोग्लिफिक्स. डॉक्टर कमिंस ने डराइव किया था डर्मेटोग्लिफिक्स, उन्होंने सारे एस्पेक्ट स्टडी किए फिंगरप्रिंट्स के बारे में थ्रू एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, फिंगर्स की स्टडी, और उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई थी विच इज़ फिंगरप्रिंट्स पाम्स एंड सोल्स, जिसे बाइबल ऑफ डर्मेटोग्लिफिक्स कहा जाता है. उसके बाद है सर फ्रांसिस गैल्टन, 1888. सर फ्रांसिस गैल्टन वॉज अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब है हर एक चीज़ की रिसर्च करना. उन्होंने फिंगरप्रिंट्स की रिसर्च स्टार्ट की थी 1880 में, और 1892 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी विच इज़ कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स. उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूँगी कि 1903 में दो ट्विंस थे, विल वेस्ट और विलियम वेस्ट. दोनों आइडेंटिकल थे, एज इन ट्विंस थे. दोनों में से एक जन ने रॉबरी की थी, बट पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किसने की है, बिकॉज वो दोनों सेम थे, उनकी आईज़, ईयर्स, नोज, एवरीथिंग वॉज सेम. बट उन्होंने फाइंड आउट किया कि उनकी जो फिंगरप्रिंट्स है वो डिफरेंट है. तो इससे पता चलता है कि भले आप ट्विंस हो या सेम दिखते हो या नहीं हो, सबकी एक फिंगरप्रिंट है, डिफरेंट टाइप की फिंगरप्रिंट है, सबकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है. डर्मेटोग्लिफिक्स रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द पैटर्न्स ऑफ स्किन. व्हाट इज डर्मेटोग्लिफिक्स? डर्मा मीन्स स्किन, ग्लिफिक्स मीन्स द लाइन्स ऑन द स्किन. इट रिवील्स द कंजेनिटल लिंक्स बिटवीन आवर फिंगर्स एंड आवर इंट्रेंसिक क्वालिटीज एंड टैलेंट्स. अगर आपसे कोई पूछे कि डर्मेटोग्लिफिक्स कितना साइंटिफिक है, जी बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि 200 ईयर्स का रिसर्च है, प्लस एविडेंस अगर मांगे तो उनसे कहिए कि ये ऑलरेडी एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स में यूज़ हो रहा है. उसके बाद हाउ फिंगरप्रिंट्स आर फॉर्म्ड. पहली तो चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि फिंगरप्रिंट सबकी डिफरेंट होती है. अब फिंगरप्रिंट्स कैसे फॉर्म हुई है? जब एक लेडी एक्सपेक्ट कर रही होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, तो उस लेडी का जब फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, उसके दौरान फिंगरप्रिंट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. कैसे होती है? बाय टचिंग द वोम इनसाइड. बेबी वोम को अंदर टच करता है थ्रू न्यूट्रिशन, ब्लड प्रेशर, जीन्स ऑफ फादर एंड मदर एंड सराउंडिंग. एक बार फिंगरप्रिंट फॉर्म हुई, आपकी फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होगी और ना ही आप उसे चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फिंगरप्रिंट्स पे कट आ गया या एक स्कार आ गया, तो जो न्यू स्किन आएगी वो सेम फिंगरप्रिंट्स के साथ आएगी.
और अगर फॉर एग्जांपल आपको एक थर्ड डिग्री बर्न आ गया स्किन पे, तो वो फिंगरप्रिंट चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। जैसे हम ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट्स हैं, दुनिया के हर एक क्रिएचर में, जैसे कि आप डॉग डॉग को देख लीजिए, डॉग की नोज़ में फिंगरप्रिंट है। उनकी जो नोज़ होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है सबकी। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका डॉग गुम हो जाए तो यू कैन टेक हिज फिंगरप्रिंट एंड चेक वेदर ही इज़ योर डॉग और नॉट। वैसे इस तरह से हर एनिमल्स में फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, तीन तरह की फिंगरप्रिंट्स है, लूप, बोल एंड आर्क। 60-65 पॉपुलेशन लूप्स में आते हैं, 30-35 पॉपुलेशन बोल्स और 5% आर्क। उसके अलावा हम सिर्फ टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि लाइंस होती है रिजेस के ऊपर, हमारी फिंगरप्रिंट्स के ऊपर, तो हम वो लाइंस भी स्टडी करते हैं। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जिसमें कौन सी लाइंस को क्या कहा जाता है। ये आपको आगे चल के काम नहीं आने वाला ज़्यादा, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी लाइंस को क्या कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की तरफ। ये था डर्मेटोग्लिफिक्स। अब मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कितनी प्रकार की है और किस लिए ज़रूरी है वो हम थोड़ा जानेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक एग्जांपल देख लें हम। ये है डेरेक पेरेविस्नी। डेरेक पेरेविस्नी जब बॉर्न हुए थे तो वो ब्लाइंड बॉर्न हुए थे और उन्हें सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी थी। उसके बाद फिर भी उसके दौरान जब वो बॉर्न हुए थे तो ही वॉज 25 वीक्स प्री मेच्योर और उनका वेट था 0.5 किलोग्राम, और उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन में ना पहुंचने के कारण उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी। लेकिन 4 साल की उम्र में उन्होंने पियानो बजाना सीखा। ही प्लेड पियानो, ही लर्न, ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले पियानो बाय हिज ईयर्स, कान का इस्तेमाल करके। और जब 9 साल के हुए तो उन्होंने एक मेजर कंसर्ट किया पियानो का। दूसरे हैं अलोंजो क्लेमेंस। ये बचपन में कहीं से गिर गए थे और उनका आईक्यू 40-50 चला गया था। आईक्यू 40-50 जाना मतलब आप ठीक से खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, और फिर भी वो किसी भी एनिमल को देखते ही तुरंत पहचान जाते थे कि ये एनिमल, ऐसा सेम एनिमल कैसे क्रिएट किया जाए, और वो सेम स्कल्पचर बनाते थे, स्टैचू बनाते थे। तो अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग कुछ गॉड गिफ्ट के साथ आए हैं, बट ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम और आप भी कर सकते हैं। हम और आप इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सोशल लाइफ है, हमारा काम है, हमारा जॉब है, हमारा करियर है। हम कभी भी अपने बारे में ज़्यादा तब सोचते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या तकलीफ़ हो, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर कौन सा पोटेंशियल या स्ट्रेंथ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहूँगी ये आप ये स्लाइड्स देखिए। म्यूजिशियंस है, आर्किटेक्ट्स, नेचुरलिस्ट, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, डांसर्स, आर्टिजन्स। अब ये सारी स्लाइड्स को देखते हुए प्रूव होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंसेस है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमें नहीं मालूम, या फिर उस इंटेलिजेंस को क्या कहा जाता है। सो लेट्स सी कौन सी इंटेलिजेंसेस है। पहली है लिंग्विस्टिक, वर्ड स्मार्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल, रीजनिंग, नंबर स्मार्ट, स्पेटल, पिक्चर स्मार्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी स्मार्ट, म्यूजिकल, म्यूजिक स्मार्ट, इंटरपर्सनल, पीपल स्मार्ट, इंट्रापर्सनल, सेल्फ स्मार्ट, और नेचुरलिस्ट, नेचर स्मार्ट। तो फर्स्ट है
लिंग्विस्टिक वर्ड स्मार्ट. लिंग्विस्टिक मतलब शब्दों का इस्तेमाल करना. आप जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो शायद उन्हें बहुत अच्छा लग सकता है या बहुत बुरा. कैसे? अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया. अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी को कह रहे हैं कि यू लुक गुड, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो उन्हें इतना कुछ खास नहीं लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को कह रहे हैं कि आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं या यू लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. सो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है. तो ऐसे लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल पोएट्स, लॉयर्स, राइटर्स या फिर स्पीकर्स, जो शब्दों को सही सेंटेंस में या सही स्टेटमेंट में रखना जानते हैं, उसे हम कहेंगे वर्ड स्मार्ट. और अगर किसी का लिंग्विस्टिक काफ़ी अच्छा है, तो हम उन्हें सजेशन देंगे कि आपको ज़्यादातर चीज़ें पढ़नी चाहिए, रीड करनी चाहिए, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं. उसके बाद आता है लॉजिकल मैथमेटिकल. लॉजिकल मैथमेटिकल में अगर किसी का मैथ्स अच्छा है, तो उसका लॉजिक काफ़ी अच्छा है. क्यों? क्योंकि 4 + 5 = 9. अगर 4 में 5 और ऐड करेंगे तो वो 9 होने वाला है. इसमें एक लॉजिक है. तो ऐसे लोग जो चीज़ों को एनालाइज करना जानते हैं, लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उन्हें हम लॉजिकल मैथमेटिकल कहेंगे. और उनका ऑटोमेटिकली मैथ्स काफ़ी अच्छा रहेगा. उसके बाद आता है स्पेटल, पिक्चर स्मार्ट. पिक्चर स्मार्ट मतलब ऐसे लोग जो किसी भी चीज़ को समझते हैं, तो या फिर उनकी डायग्राम को समझेंगे या ड्रॉ करके या फिर विजुअलाइज करके, पिक्चराइज करके. जैसे कि अगर एक टेक्स्ट बुक है, तो एक टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ भी होता है और कुछ ड्रॉ भी किया हुआ होता है. तो ऐसे लोग जो डायग्राम बहुत अच्छे से समझते हैं, उसे हम कहेंगे पिक्चर स्मार्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोनॉट्स होते हैं. एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं, तो उसके पहले वो हर एक चीज़ विजुअलाइज करके एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे या फिर विजुलाइज करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी या उनका जो सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा. तो वो विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. अगर वो स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स आप पिक्चर स्मार्ट हो. तो ऐसे लोग जो स्केचिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया, पेंटिंग में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से काम करते हो, एज इन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बॉटल का फ़ोटोग्राफ खींचोगे, लेकिन इस तरह से फ़ोटो खींचोगे कि वो बॉटल बहुत ही बेहतरीन लग रही है फ़ोटोग्राफ में, एक सिंपल पिक्चर नहीं पर एक विजुअल पिक्चर, तो उसे हम कहेंगे पिक्चर स्मार्ट. उसके बाद आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक. अब बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है कि हमारे न्यूरॉन्स की जो कोऑर्डिनेशन है. न्यूरॉन्स मतलब क्या? हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स दौड़ते हैं. कैसे? हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को मैसेज पहुंचाता है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपना हैंड मूव करना है, हमारा लेग मूव करना है, हमें पानी पीना है या खाना खाना है, तो हमारा ब्रेन पूरी बॉडी में मैसेजेस पहुँचाता है. कैसे? थ्रू द न्यूरॉन्स. अगर आपके न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर अगर सिक्स मार रहा है, तो वो दिमाग से सोचेगा कि मुझे किस एंगल में बैट को घुमाना है, लेकिन इस्तेमाल करेगा अपने हाथों का. सो उस टाइम पे उसका ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो न्यूरॉन्स कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें हम कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक. आपने देखा होगा कि कुछ लोग वॉक करते करते भी पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बॉडीली काइनेस्थेटिक कहेंगे. उसके बाद आता है म्यूज़िक स्मार्ट. म्यूज़िक स्मार्ट मतलब म्यूज़िक को अपने इमोशन से जोड़ते हैं कुछ लोग. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अगर कोई सैड होंगे तो आप सैड म्यूज़िक सुनोगे, अगर बहुत खुश होंगे तो आप अच्छा म्यूज़िक सुनोगे,
अगर आपको माइंड रिलैक्स करना है, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं आप, तो भी आप म्यूज़िक सुनोगे। तो आजकल अगर आप देखोगे बहुत सारी रिपोर्ट्स में मोस्टली म्यूज़िक स्मार्ट काफ़ी अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर से चला रहा है, ये हमारे जीन्स में होता है ऑलरेडी। तो आपको मोस्टली हर रिपोर्ट में ये म्यूज़िक स्मार्ट वाली जो इंटेलिजेंस है काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। सो अगर आपका म्यूज़िक अच्छा है तो हमारा एडवाइस ये होगा कि मेक श्योर कि आप म्यूज़िक को सुने और मेक श्योर कि उसे अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ाई कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट मतलब दूसरों की भावनाओं को, इमोशंस को समझना, दूसरों के साथ काम करना अच्छे से जानते हैं, टीम वर्क करना अच्छे से जानते हैं, दूसरों अपने इमोशन से ज़्यादा दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, ऐसे लोगों को हम कहेंगे इंटरपर्सनल। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग सेल्स में हैं या फिर ट्रेनर है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर है, उसे हम कहेंगे इंटरपर्सनल, क्योंकि वो दूसरों की भावना को अच्छे से समझते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ग्रुपिज्म में काम करना चाहिए या फिर ग्रुपिज्म में पढ़ाई करनी चाहिए, अकेले बैठ के नहीं करना चाहिए। किसी का अगर इंट्रापर्सनल आता है, फॉर एग्जांपल इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ स्मार्ट, जो अकेले रहकर ही काम कर सकते हैं, जो दूसरों की इमोशंस को नहीं लेकिन अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे लोग जो बिजनेस चलाते हैं, फॉर एग्जांपल उनका मैनेजमेंट, उनका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन अगर उनको किसी लोग दूसरे लोगों से बात करना हो या सेल्स करना हो तो वो शायद उसमें कम हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमेशा सलाह दीजिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे सलाह दीजिए कि आप अकेले बैठ के ही पढ़ाई करें, और या फिर उनको कहिए कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर मेक श्योर कि आप अकेले उसे सॉल्व कर रहे हो, या अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसा एनवायरनमेंट सिलेक्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल बैक इन ऑफिस हो या फिर ऐसा ऑपरेटर वाला काम जहाँ पे आपको अकेले ही काम करना हो, किसी की टीम वर्क के साथ नहीं, तो उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। लास्ट आता है नेचर स्मार्ट। नेचर स्मार्ट मतलब नेचर को समझना, एज इन प्लांट्स और एनिमल्स को समझना। अब प्लांट्स तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, पर एनिमल्स मतलब ऐसे लोग जो एनिमल्स कभी बात नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग जो समझ जाते हैं कि जब एनिमल गुस्से में है, कोई भी डॉग या कैट या कोई भी एनिमल ले लो जो गुस्से में है, उसे भूख लगी है, उसे खाना लगा है, तो वो समझ जाते हैं अच्छे से, तो ऐसे लोगों को हम नेचुरलिस्ट कहेंगे। ये हमारी 8 इंटेलिजेंसेस थी। नेचुरलिस्ट लोगों को अगर हमें सलाह देना हो तो हम यही सलाह देंगे कि उनको नेचर के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, तो ही वो अच्छे से काम कर पाएंगे या कुछ भी और आगे करना चाहते हैं। अगर अपनी वीकनेस को कम करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप नेचर के साथ ज़्यादा जुड़े हुए रहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है लर्निंग स्टाइल। हमारे अंदर 3 प्रकार की लर्निंग स्टाइल है, सी इट, से इट एंड डू इट, मतलब विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल मतलब देख के सीखना, ऑडिटरी मतलब सुन के सीखना, और काइनेस्थेटिक मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें करके सीखना। अब आप विजुअली अगर किसी का आता है तो वो काफ़ी फास्ट लर्नर होते हैं, लेकिन वो जल्दी भूल भी सकते हैं। अगर किसी का ऑडिटरी आता है तो वो न्यूट्रल लर्नर है, नॉट फास्ट नॉट स्लो। अगर किसी का काइनेस्थेटिक आता है तो वो बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन जो भी सीखते हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस टेबल को देख जाइए, तो आपको एक क्लियर आइडिया का कि कौन जो भी लर्निंग स्टाइल है उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं यूजुअली। उसके बाद है हाउ डर्मेटोग्लिफिक्स एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज कनेक्टेड। जैसे मैंने बताया कि डर्मेटोग्लिफिक्स
किसने डिराइव किया था? डॉक्टर हैरल्ड कमिंस ने, और मल्टीपल इंटेलिजेंस डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर. बट ये दोनों को कनेक्ट किसने किया? एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर शेन ये माउंग. उन्होंने सिर्फ फोकस किया था, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम थी, अ फुल टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स. उन सब ने फाइंड आउट किया था कि हमारी ब्रेन पोटेंशियल्स जो है, हमारे ब्रेन लोब्स है, उसके थ्रू हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी पता लग सकता है. अगर आप मेरी रिपोर्ट काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने उसमें ब्रेन लोब पोटेंशियल वाला जो पार्ट है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 7, उसमें मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस को भी कनेक्ट किया हुआ है. तो आप देख सकते हैं जो दूसरी रिपोर्ट काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग में है. उसके बाद नीड ऑफ DMIT. DMIT की क्या ज़रूरत है हमें? आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं. 12,000 स्टूडेंट्स डू कमिट सुसाइड एवरी ईयर. क्यों? एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस से. तो DMIT एक काफ़ी अच्छा ज़रिया बन सकता है टू प्रोवाइड द काउंसलिंग टू पेरेंट्स. बच्चों को नहीं, लेकिन पेरेंट्स को हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. किस तरह से? एटलीस्ट हम उन्हें बताएंगे कि आपका बच्चा अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा एवरेज है, तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं डालेंगे. अगर आपका बच्चा, आपकी रिपोर्ट बता रही है कि अगर आपका बच्चा मेडिकल में ज़्यादा अच्छा स्कोप कर है उसका, तो हम उसे मेडिकल में डाल देंगे अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट. तो DMIT बेसिकली बच्चों को नहीं, लेकिन पेरेंट्स को काफ़ी हद तक काउंसलिंग करने में या गाइडेंस देने में काफ़ी हद तक यूज़ आ सकता है. इससे क्या होगा कि एटलीस्ट बच्चों का टाइम, मनी, एफर्ट वो थोड़ा बच जाएगा. एक रिलेशनशिप बनाता है, इम्प्रूव करता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और बच्चों का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है. नीड ऑफ DMIT फॉर इंडिविजुअल्स, असेस योर EQ, IQ, AQ एंड CQ. EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, AQ मतलब एडवर्सिटी कोशेंट, CQ मतलब क्रिएटिविटी कोशेंट. DMIT हर एक जन के लिए है. ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं है जिसके लिए हम मना करते हैं कि ये DMIT नहीं कर सकते, क्योंकि DMIT आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको बताएगा. आपकी वीकनेस, एटलीस्ट आपको पता है कि आप अपनी वीकनेसेस को कम कैसे कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, और आपका सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं थ्रू DMIT. DMIT कॉर्पोरेट्स में किस तरह से नीडफुल है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का इंटरपर्सनल ज़्यादा है, तो आप उसे सेल्स में डालेंगे या फिर आप उसे ट्रेनर बनाएंगे. अगर किसी का इंट्रापर्सनल ज़्यादा है, तो उसे हम बैक इन ऑफिस में या फिर ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ पे ज़्यादा उसे अकेले बैठ के काम करना हो. अगर किसी का लिंग्विस्टिक अच्छा है, तो उसे भी हम ट्रेनर बनाएंगे. तो इस तरह से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किसे कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए. उसके बाद है दिस डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर, मतलब पर्सनालिटी ट्रेट्स. अब पर्सनालिटी ट्रेट्स में कैसा है? डोमिनेंसी, इन्फ्लुएंसिंग, स्टेडीनेस एंड कंप्लायंस, ये चार पर्सनालिटीज होती है. इसका एक फुल डिस्क्रिप्शन इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल फुल डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाना चाहेंगे, तो आप हमारी जो प्रीमियम प्लस रिपोर्ट है वो आप रेफ़र कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगी कि इस तरह की जो बिहेवियर, इस तरह की जो पर्सनालिटी है, उनका छोटा सा एक जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वो मैं आपको बता दूंगी. अब बिफोर गोइंग एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़, मैं चाहूँगी कि आप देखें कि किसने बनाया है. ये मॉडल बनाया था मोल्टन मार्स्टन ने 1920 में. ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं,
किसी के पास भी, भले वो इंटरव्यू हो या पहली बार आप किसी को जब मिल रहे हैं, तो आप उनका टैलेंट, उनकी स्किल्स जज नहीं कर सकते एक बार मिलने से, लेकिन आप उनकी पर्सनालिटी विच इज़ उनका बिहेवियर बहुत ईजीली जज कर सकते हैं। और ये बहुत ही रिक्वायर्ड है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे में बहुत सारा टैलेंट है या बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन अगर मेरा पर्सनालिटी, मेरा बिहेवियर नेगेटिव है, तो शायद मेरे साथ कोई काम करना पसंद नहीं करेगा या मुझसे शायद बात करना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, राइट? तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा टूल है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है सब जगह, 95% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे। और इन्हें बनाया था मोल्टन मास्टन ने। अब मोल्टन मास्टन कौन है? मोल्टन मास्टन एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज़, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ मतलब जहाँ पे हॉलीवुड मूवीज़ बनती है, उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को हेल्प किया था ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम साइलेंट टू टॉकिंग मूवीज़ में। और उन्होंने एज एन एडवोकेट भी सर्व किया है फॉर वुमेन्स राइट ऑब्वियसली, और उन्होंने दिस वंडर वुमेन बुक बनाई है विच इज़ हीरोइन। उन्होंने हीरोइन वंडर वुमेन बुक भी बनाई थी, इट्स अ कॉमिक बुक ऑफकोर्स। नाउ ये सब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, पर डोमिनेंसी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी। डोमिनेंस मतलब क्या, किस तरह की पर्सनालिटी होती है? वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनालिटी होती है, काफ़ी फोकस्ड होते हैं वो लोग अपनी लाइफ में, काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ भी है और कुछ नेगेटिव चीज़ भी है इस पर्सनालिटी के बारे में, इनफैक्ट हर पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको रिपोर्ट काउंसलिंग में पता चलेगा। अबाउट डोमिनेंस, हम उसे ईगल का नाम देते हैं क्योंकि ईगल अपनी लाइफ में काफ़ी फोकस्ड और काफ़ी हद तक शार्प रहता है, हमेशा ब्लंट रहते हैं वो लोग, काफ़ी हद तक ज़िद्दी या फिर मुफट जिसे हम कहते हैं ब्लंट, वैसे होते हैं वो लोग। बट वो लोग में एक क्वालिटी होती है कि वो लोग हमेशा एक हर एक चीज़ को गोल की तरह देखते हैं, नेचुरल अचीवर जिसे हम कहते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं हर एक चीज़ में। उसके बाद है इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग काफ़ी हद तक बात करना पसंद करते हैं, बहुत ही बात करना पसंद करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद करते हैं। शायद वो उनका वीकनेस ऐसा रहेगा कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट या फिर चीज़ों का ध्यान रखना, डिटेल में जाना पसंद नहीं है, पर उन्हें बात करना, खुश रहना और एक्साइटिंग चीज़ें करना उन्हें बहुत पसंद है, इन्फ्लुएंशियल, इसलिए हमने उसका पिकॉक का नाम दिया हुआ है। उसके बाद आता है स्टडी। ये लोग काफ़ी पैशनेट, कंपैशनेट जिसे हम कहते हैं, पीसफुल, पीस में बिलीव करते हैं, ऑनेस्ट रहना पसंद करते हैं, लॉयल, फ्रेंडली, काफ़ी हद तक हार्ड वर्किंग होते हैं और रिस्क लेना भी जानते हैं वो, एज इन नॉर्मल पीपल जो काफ़ी हद तक यू नो पर्टिकुलरली हर एक चीज़ में स्टडी रहना पसंद करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस को हमने आउल का फोटो दिया हुआ है क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी हद तक लॉजिकल सोचते हैं, बहुत ही डिटेल में जाना जानते हैं, काफ़ी हद तक स्लो होते हैं डिसीजन लेने में, लेकिन बहुत परफेक्ट होते हैं, उन्हें हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। और आप ये नोटिस करेंगे कि वो लोग कुछ हद तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप रिपोर्ट काउंसलिंग जब करेंगे तो हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस तो दी हुई है रिपोर्ट काउंसलिंग में, लेकिन साथ साथ हमने कुछ रिकमेंडेशंस, टिप्स दिए हुए हैं, वो आप उन्हें बता सकते हैं। हर एक पर्सनालिटी ट्रेट्स का हमने रिकमेंडेशंस दिया हुआ है। एक छोटा सा एक्सरसाइज बताना चाहूँगी इधर, व्हाट्स इन द माइंड ऑफ द डी, मतलब डी मतलब डोमिनेंस। माय आइडियल वर्ल्ड इज़ वन वेयर आई हैव कंट्रोल, आई वांट टू डू इट माय वे,
I like to change things. My greatest fear is losing control or not having a challenge. What's in the mind of I? My ideal world is one where I have fun. I want to do it the exciting way. I like to dream things. My greatest fear is losing face or not having social approval. What's in the mind of S? Matlab study. My ideal world is one where I have peace. I want to do it the easy way. I like to watch things. My greatest fear is losing stability or losing a relationship. My ideal world is one where I have excellence. I'm sorry, this is for compliance. I want to do it the right way. I like to research things. My greatest fear is wrong or being criticized. So this is all about the concept of DMIT and the learning style, multiple intelligences, and the personality traits. There's a small final thought which I want to tell you. An individual's success is dependent upon his or her motivation and ability to adapt. Yes, agar aap successful hona chahte ho, to aapke andar ek motivation aur ek ability to adapt everything is very necessary. Success is an individual knowing themselves, understanding others and adapting to the needs of the situation. सक्सेस उसे कहते हैं जब आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं और अपनी नीड्स सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द DMIT कंसेप्ट. थैंक यू सो मच.